सो व्हाट्सएप गाइज, हमें पता है आप लोग थंबनेल पे क्यों क्लिक किए हैं, क्योंकि आप लोग बिना फोटो एडिटिंग करते हैं एंड आप लोग फेसबुक आईडी पे पोस्ट करते हैं अपना फोटो एंड स्टोरी लगाते हैं, तो आप लोग का ज्यादा व्यूज नहीं जाता होगा, 100-200 जाता होगा, ठीक है। तो आज आप लोग को 3 ऐसा सेटिंग बताएंगे ना फेसबुक के बारे में एंड इंस्टाग्राम के बारे में, जिसको आप लोग यूज करके ना आप लोग का स्टोरी व्यूज 2000-3000 जाने लगेगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोग बिना फेसबुक का यहाँ से फेसबुक ओपन करके 3 डॉट पे आकर के आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, ठीक है। एंड इतना समझ में आएगा ना, एंड आप लोग को लास्ट वाला स्टेप जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग का व्यूज बहुत ज़्यादा जाएगा आप लोग के स्टोरी पे, फेसबुक हो एंड इंस्टाग्राम हो। तो सिंपली गाइस यहाँ से आप लोग को क्लिक कर देना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे। देन गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने वाला सिंपली आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन में बताता हूँ आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को चेक कर लेना होगा कि आप लोग का प्रोफाइल लॉक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रोफाइल लॉकिंग पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग देखिए अनलॉक है, ठीक है। तो आप लोग को लॉक नहीं करना है, अगर अनलॉक रहेगा तभी आप लोग का स्टोरी कहीं पे भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड पहला सेटिंग हो गया। एंड सेकंड सेटिंग मैं आप लोग बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा पहला तो पोस्ट है, पोस्ट पे हम लोग क्लिक करके एंड यहाँ पे देखिए हाउ कैन सी यू फ्यूचर पोस्ट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे फ्रेंड है एंड देखिए थर्ड वाला ऑप्शन भी फ्रेंड है एंड सेकंड यानी सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन पब्लिक सॉरी फ्रेंड फ्रेंड है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को इन तीनों वाला ऑप्शन को पब्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे, ठीक है मेरी जान। एंड बैक आने बाद सिंपली आप लोग को थर्ड वाला ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली आपको स्टोरी पे क्लिक कर देना होगा एंड गाइस स्टोरी पे क्लिक करने बाद सिंपली देखिए स्टोरी प्राइवेसी, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से देखिए पहले ही दिखा रहा है यहाँ से सिंपली यहाँ फ्रेंड है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से पब्लिक कर देना होगा, ठीक है मेरी जान, यहाँ से आप लोग को पब्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस पब्लिक करने बाद सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन को पब्लिक कर लीजिएगा एंड सेकंड वाला ऑप्शन को पब्लिक, ठीक है। एंड यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन को पब्लिक कर देना होगा, ठीक है मेरे जान। एंड गाइस इतना करने बाद सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे एंड गाइस बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिएगा रील्स वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक वाले ऑप्शन पे फेसबुक पे आप लोग रील्स डालेंगे तो आप लोग का फ्रेंड होगा एंड ओनली मी होगा। तो सिंपली आप लोग रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग को थर्ड वाला ऑप्शन अच्छे से फोकस कीजिएगा, सिंपली आप लोग यहाँ से पब्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देन गाइस जैसे आप लोग पब्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पब्लिक कर लीजिएगा, ठीक है मेरे जान। तो आप लोग पब्लिक कर लेंगे तो आप लोग की स्टोरी पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा व्यूज आने लगेगा। तो आशा करते हैं फिर वीडियो से वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं डिटेल्स वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर मेरा एडिटिंग चैनल है, मैं एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक आप लोग को देता रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि आर्टिक्स भाई आप अपने फेसबुक आईडी पे कैसे इतना ज़्यादा स्टोरी व्यूज पाते हो, तो मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल HD एडिटिंग के साथ एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।